दोस्तों नाम ही यहाँ पर सिर्फ Vivo Y100 है भाई, लेकिन अगर मैं इन दोनों फोन्स की स्पेसिफिकेशंस को भी मिला दूँ ना यार, तब भी 100% नहीं हो रही है। हाँ, लेकिन 100% सिर्फ इनकी प्राइसिंग ही हो रही है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे Vivo Y100 स्मार्टफोन को Oppo Reno 8T स्मार्टफोन के साथ में, और आपको बताएंगे कि इन दोनों स्मार्टफोन में से आखिर कौन सा वाला आपकी नीड के अकॉर्डिंग ज़्यादा बढ़िया है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं, और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि Vivo के अंदर हमें 6.38 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, और वहीं दूसरी तरफ Oppo के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वैसे तो दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि हमें AMOLED पैनल मिल रहा है भाई, अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों अगर आपको कर्व डिस्प्ले के हिसाब से स्मार्टफोन लेना ना भाई, कि देखने में लगे हाँ यार कोई प्रीमियम फोन आपने हाथ में पकड़ रखा है, तब आप यहां पर Oppo की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि कर्व डिस्प्ले दी गई है भाई, अच्छी बात है। और यहां Vivo को देखना, रिफ्रेश रेट सिर्फ 90 हर्ट्ज का दिया है, कोई 120 कुछ नहीं दिया, इन्होंने फुल टू फुल पैसा बचाया है यहाँ पर रिफ्रेश रेट के मामले में। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो Vivo का फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आते हैं, जो कि फन टच 13 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Oppo का फोन भी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आते हैं, जो कि कलर OS 13 पर बेस्ड है। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया है, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स भाई एंड्रॉइड 13 के साथ में हमें मिल रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन यार UI के अंदर तो आपको ब्लोटर मिल जाएंगे, उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चिपसेट की अगर हम बात करें तो Vivo के अंदर हमें Dimensity 900 5G चिपसेट दिया गया, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Oppo के अंदर हमें Snapdragon 695 5G चिपसेट दिया गया, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दूं दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस के हिसाब से यहाँ पर दोनों चिपसेट बढ़िया है। लेकिन रुकिए यार, Oppo फोन का रेट यहाँ पर 30,000 रुपए है, लेकिन इन्होंने जिस चिपसेट का यूज किया है ना Snapdragon 695, भाई वो 15,000 वाले फोन का है। इन्होंने ना सिर्फ कर्व डिस्प्ले देने के कर में फुल कॉस्ट कटिंग करी है, आप मानो या ना मानो, पैसा बर्बाद। और अब बारी आती है दोस्तों बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों स्मार्टफोन्स के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, और सबसे पहले हम बात करेंगे Vivo की। तो इस फोन का मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, मैक्रो कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, और जो डेप्थ कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। और वहीं दूसरी तरफ Oppo फोन का मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का, माइक्रो कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, और जो डेप्थ कैमरा वो भी है 2 मेगापिक्सल का। दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स का जो मेन कैमरा है ना भाई, वो तो एकदम बढ़िया है, लेकिन यार अल्ट्रा वाइड कैमरा भाई हमें किसी ने भी नहीं दिया यार, फुल टू फुल यार इन्होंने पैसा बचाया यहां पर, सच बता रहा हूं यार। वो जो वैल्यू फॉर मनी दिन होते थे ना, वो चले गए आज के टाइम में, कोई अल्ट्रा वाइड कैमरा ही नहीं दे रहा हमें, आमला का भी नहीं देता है। और यहाँ पर Vivo ने तो और भी ज्यादा हद कर दी, 2 का मैक्रो 2 का डेप्थ, बिल्कुल ही यूजलेस कैमरा, इनका कोई फायदा नहीं है। कम से कम Oppo ने माइक्रो कैमरा तो दिया, स्पेशली माइक्रो शॉट्स के हिसाब से। मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो Vivo के बैक कैमरा से हम मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ Oppo के बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोस्तों मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में यहाँ पर Vivo का फोन ही बढ़िया है, और यहाँ Oppo ने जब चिपसेट ही हल्का दिया ना, इसलिए आपको 1080 पिक्सल का स्पोर्ट मिल रहा है सिर्फ, यही वजह है इसकी। वीडियो स्टेबलाइजेशन की अगर हम बात करें तो Vivo का फोन OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ Oppo का फोन सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। यहां पर भी ना भाई ये पीछे ही रह गए हैं। फ्रंट कैमरा की अब हम बात करते हैं तो Vivo के फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ Oppo के फ्रंट में हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। दोस्तों सेल्फी लवर्स के हिसाब से यहां पर Oppo का फोन ही बढ़िया है, और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग अब दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रंट कैमरा से 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो Vivo का फोन यहाँ पर 4500 mAh की बैटरी के साथ में आता है, जो कि 44 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ Oppo का फोन यहाँ पर 4800 mAh की बैटरी के साथ में आता है, जो कि 67 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। दोस्तों ओवरऑल बैटरी डिपार्टमेंट के मामले में यहाँ पर Oppo का फोन ही विनर है। यहाँ पर इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी है Vivo वालों ने, क्योंकि छोटी बैटरी दी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी कम दिया है, यहाँ पर गलत किया यार इन्होंने। ये बड़ी अच्छी बात कही यार।
नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन यहाँ पर वैसे तो 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, लेकिन भाई 5G बैंड्स में यहाँ पर बहुत फर्क है, क्योंकि वीवो का फोन सिर्फ 6 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, 7 या 8 भी नहीं दिए कि ट्रूली 5G का मजा मिल जाता हमें यहाँ पर। वहीं दूसरी तरफ ओप्पो का फोन यहाँ पर 13 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। दोस्तों अगर आपको ट्रूली 5G कनेक्टिविटी का मजा लेना है ना भाई, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली ओप्पो की तरफ ही जरूर से जाइए। 3.5mm जैक की अगर हम बात करें तो हमें वीवो के अंदर दिया गया है, लेकिन यार ओप्पो के अंदर हमें नहीं दिया गया है। और अब बारी आती है स्पीकर्स की, तो वीवो का फोन यहाँ पर सिर्फ सिंगल स्पीकर के ही साथ में आता है, वहीं दूसरी तरफ ओप्पो का फोन स्टीरियो स्पीकर के साथ में आता है। और दोस्तों सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी दिया गया है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स की प्राइसिंग की, तो आपको बता दूं कि वीवो फोन के 8+128GB वेरिएंट की कीमत है 25,000 रुपए, वहीं दूसरी तरफ ओप्पो फोन के 8+128GB वेरिएंट की कीमत है 30,000 रुपए। और अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों अगर आपको मेनली फोन भाई कर्व डिस्प्ले और फ्रंट कैमरा के हिसाब से लेना है ना कि कर्व डिस्प्ले ही आपकी मेन प्रायोरिटी है, तब आप यहां पर ओप्पो की तरफ जरूर से जाइए। लेकिन दोस्तों अगर आप वीवो फोन को समझ रहे हैं भाई कैमरा के हिसाब से, तो मत लेना यार, इसकी जगह पर ना आप वीवो का ही V25 स्मार्टफोन ले लो, वो कैमरा के हिसाब से काफी बढ़िया स्मार्टफोन है। ये तो बस इन्होंने मजाक बना दिया, नाम तो रख दिया Y100, लेकिन 100% ये कुछ नहीं दे रहा, बस रेट ही इसका 100% है। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए। और अगर आप इन दोनों में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। खत्म।